हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसमें हम अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में देखेंगे। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने गुप्ता और संगम लिटरेचर सारी चीज़ें कर ली हैं। इसके बाद जो हमारा टाइम होता है वो एंशिएंट हिस्ट्री का ख़त्म होता है और वहाँ से आपको स्टार्टिंग होती है मेडिवल पीरियड की। तो अर्ली मेडिवल पीरियड, यहाँ पर हम कुछ आपको राजपूत डायनेस्टीज की बात करेंगे और इसके अलावे हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के बाद हमारा जो लेटर मेडिवल पीरियड आता है जिसमें हम मुगल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, और मुगल पीरियड आपको एट द लास्ट ब्रिटिश एम्पायर तक ये कंटिन्यू रहता है। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है इसमें हम अर्ली मेडिवल पीरियड, यहाँ पर दो डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक तो राजपूत डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉर्थ इंडिया में मिलता है, और एक चोला एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जो आपको साउथ इंडिया में ये मिलेंगे। तो जो पलवास करा जो शासन था, यानी कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन, वहाँ पर चोला एम्पायर आपको मिलते हैं। तो ये राजपूत पीरियड हम देखेंगे। इसमें मेनली तीन तरीके के राजपूत हम डायनेस्टीज की बात करेंगे जिसमें पालास है, प्रतिहार एंड राजकुटास। प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, ठीक है, इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। तो एक ही नाम है, गुर्जर इसलिए कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि इनका ओरिजिन आपको गुजरात और साउथ राजस्थान के कुछ एरियाज में हुआ था, इस वजह से इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। अदरवाइज सिर्फ प्रतिहार भी लिख के आता है तो आपको एक ही चीज समझना है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं नॉर्थ इंडिया की, और उसमें हम राजपूत पीरियड की बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक खत्म होगा तो इसके बाद हम आज ही की क्लास में दिल्ली सल्तनत को भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्थ इंडिया में राजपूत पीरियड के बारे में। तो नॉर्थ इंडिया देखिएगा, यहाँ पर एक मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप मैप में देखिएगा कि यहाँ पर तीन किंगडम्स पाई जाती हैं। एक ये गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ पर राष्ट्रकूट, और यहाँ पर आपको पलास देखने को मिलते हैं। तो ये तीन किंगडम जो देखने को मिल रहा है आपको, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास एंड पलास। तो पलास का शासन देखिएगा, इधर आपको कहीं ईस्ट इंडिया की तरफ आपको दिखेगा, और वहीं आप इनका शासन देखिएगा जो प्रतिहार है इनका, नॉर्थ इंडिया की तरफ भी इनका शासन रहता है। और वहीं जो राष्ट्रकूटास रहते हैं जनरली डेक्कन, और जो साउथ इंडिया का एरिया रहता है वो राष्ट्रकूटास के अंदर में रहता है। यहाँ ये तीन लोग के बीच में एक आपको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों लोग मिलकर एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते हैं। और ये मेनली जो स्ट्रगल का रीजन था वो था कन्नौज, ठीक है, वो था कन्नौज। तो कन्नौज ऐसा रीजन क्यों था कि इन तीनों लोग, ये तीनों लोग कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि ये जो समय था करीब 8th सेंचुरी के आसपास का समय, इस समय कन्नौज काफी फ्लरिस्ट और काफी रिच एरिया के तौर पर माना जाता था, ठीक है। और ये दुआब का एरिया भी होता था, इस वजह से यहाँ पर आपको कल्टिवेशन वगैरह या फिर प्रोडक्शन वगैरह भी काफी ज्यादा होता था। तो इस वजह से आप देखेंगे इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में, जो कि आपको पलास डायनेस्टी ईस्ट में, गुर्जर प्रतिहार नॉर्थ और राष्ट्रकूटास, इनके बीच में 8th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल देखने को मिलता है, ठीक है। और किसके लिए? कन्नौज के लिए, कन्नौज पर अपना अधिकार के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हम इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में देखते हैं कि ये डायनेस्टीज क्या थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं इनके बारे में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले पलास को देखते हैं जो 750 या से लेके 1150 एडी तक रहते हैं, यानी कि 8th सेंचुरी से आप कह सकते हैं, ये 12th सेंचुरी तक यहाँ पर रहते हैं। तो ये इनके फाउंडर का नाम गोपाला है, और यहाँ के इंपॉर्टेंट जो रूलर होते हैं वो है धर्मपाला। धर्मपाला के समय की विशेषता ये रहती है कि एक तो इन्हें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया, और दूसरा ही रिवाइव किया इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो ध्यान रखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था इन्होंने, इसका फाउंडेशन नहीं रखा था, इसको बनाया नहीं था। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था, चलिए एक हिंट देता हूँ, इसको बनाया था गुप्ताज ने। तो अब आपको गुप्ताज ने किसने बनाया, उस एम्परर का नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल की बात करें तो मुंगेर इनके समय पर कैपिटल था पलास का। मुंगेर आपको पड़ता है बिहार रीजन में, आज के समय भी बिहार में ही पड़ता है ये, तो मुंगेरी बिहार पड़ता है, ये उनका कैपिटल था। तो मेनली ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पलास के बारे में है। गुर्जर प्रतिहार की अगर हम बात करते हैं तो 730 से 1036 यानी कि 8 से लेकर 11th सेंचुरी के आसपास में ही रूल करते हैं नॉर्थ इंडिया में। इस समय के जो इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं इनके भोजा या फिर मिहिर भोजा के नाम से उनको जाना जाता है। ये विष्णु के डिवोटी थे, इस वजह से इन्होंने टाइटल भी आदि वराह रखा था। वराह का मतलब यू नो, वराह एक इंकर्केशन भी है विष्णु का। तो चूंकि डिवोटी थे विष्णु के, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने अपना टाइटल भी रखा आदि वराह। राजकुटास की बात करते हैं, राजकुटास जो कि 752 से 973 यानी कि 8 से लेकर 10 एडी के आसपास में रहते हैं। इनके रीजन की बात करें तो ये डेक्कन और प्लस साउथ इंडिया वाले रीजन में इनका रूल था। तो इनका काफी एक्सटेंसिव रूल था, अगर हम कंपेयर करें पलाद से या फिर प्रतिहार से, तो उनसे काफी एक्सटेंसिव रूल था। यहाँ पर जैसा कि आप मैप में भी देख रहे हैं तो काफी लंबा एरिया और बड़ा एरिया इनके रीजन में पड़ता था।
चलिए फाउंडर की बात करें हम राष्ट्रकूटास की, तो राष्ट्रकूटास के फाउंडर को दांती दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैपिटल इनका मलखांड था, या फिर जो मलखेड़ भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर दो आपको इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलेंगे राष्ट्रकूटास में, एक है गोविंद थर्ड और एक है अमोघ वर्षा, ठीक है। तो गोविंद थर्ड और अमोघ वर्षा, ये दो इंपॉर्टेंट रूलर आपको राष्ट्रकूटास के समय पर मिलेंगे। और अमोघ वर्षा ने एक टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम था कविराज मार्ग। नाम क्या था? कविराज मार्ग। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, खास करके ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ये सब टेक्स्ट की किसने क्या लिखा। इसके बाद कृष्णा फर्स्ट, इनके समय पर सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होता है वो होता है एलोरा में रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश बनाया जाता है। कैलाश टेम्पल है एक एलोरा में आपको मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र में है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे वहां पर, तो वहां पर हम एलोरा के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेंटा के बारे में पढ़ेंगे, सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि कृष्णा फर्स्ट, जो कि राष्ट्रकूटा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एलोरा में कैलाश टेम्पल को बनाया था, और ये एक रॉक कट टेम्पल है, यानी कि मोनोलिथिक रॉक का है ये, यानी कि एक ही तरीके के रॉक से ये बना हुआ है। डिटेल हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। अदर रूलर्स की बात करें, ये सारे राजपूत रूलर्स याद रखिएगा, अभी हमने जो तीनों को पढ़ा ऊपर वो सारे राजपूत रूलर्स थे, अभी भी कंटिन्यू जो होगा ये भी राजपूत रूलर्स ही है। तो इसमें आएगा एक नाम पृथ्वीराज चौहान का, जो 1178 से लेकर 92 यानी कि 12th सेंचुरी में ये रहते हैं। तो इनका जो रूल होता है वो दिल्ली और आगरा के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान के समय में दो इंपॉर्टेंट बैटल्स यहाँ पर होती है, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, आप इनको भूल नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते मतलब आपको नहीं भूलना चाहिए। तो एक बैटल आपको देखने को मिलेगा जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि 1191 में हुआ था, ये मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था, ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था ये, जिसमें पीसी जीत जाते हैं। पीसी का मतलब पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा पीसी का मतलब पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर जीत जाते हैं। लेकिन अगले साल, एक साल बाद ही, जस्ट नेक्स्ट ईयर ही 1192 में मोहम्मद घोरी फिर अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पर, लेकिन इस बार मोहम्मद घोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को इसने बंदी बना लिया। बाद में पृथ्वीराज चौहान की फिर डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इस बार देखिएगा कि इसी दौरान मोहम्मद घोरी कुछ और काम करता है, कुछ और लोगों को हराता है, जैसे कि एक रूलर है जिनका नाम था जयचंद गढ़वाल। तो जयचंद गढ़वाल के साथ भी मोहम्मद घोरी का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो 1194 में आपको बैटल ऑफ चंदावर के नाम से जाना जाता है। तो जयचंद गढ़वाल के साथ, और गढ़वाल का मोहम्मद घोरी के साथ बैटल ऑफ चंदावर, यहाँ पर अगेन मोहम्मद घोरी जो होता है वो जीत जाता है, ठीक है। लगातार यहाँ से मोहम्मद घोरी की जब डेथ होती है, तो उसके बाद इंडिया में स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत, और उसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद घोरी के जो स्लेव थे, जिनको बनाया गया था पंजाब का गवर्नर, वही स्लेव डायनेस्टी के नींव रखते हैं। तो मोहम्मद घोरी के डेथ होने के बाद स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत में। खैर, उसको हम देखेंगे अभी बाद में। एक थर्ड रूलर आते हैं राजपूत रूलर, जिनका नाम है राणा कुंभा, और ये सिसोदिया रूलर से बिलोंग करते हैं, जो कि मेवाड़ में यानी कि राजस्थान में पड़ता है। टाइम फ्रेम की बात करें तो 15th सेंचुरी यानी कि मिड 15th सेंचुरी के आसपास में ये रूल करते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक विजय स्तंभ बनाया था, यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया था, कहाँ पर? चित्तौड़ में, आफ्टर डिफीटिंग मोहम्मद खिलजी, ठीक है। और साथ ही साथ इनके जो सक्सेसर होते हैं, जिनको राणा शांगा और राणा प्रताप के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपने सुना होगा, भले राणा प्रताप का आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन राणा शांगा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनको राणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था नॉर्थ इंडिया। इसके बाद हम साउथ इंडिया के बारे में देखते हैं, जैसे हमने देखा कि चोला एम्पायर के बारे में देखेंगे। तो चोला एम्पायर की अगर बात करें, मैप में अगर हम बात करें इसकी, तो ये वाला जो आप इधर एरिया देख रहे हैं ना, ये पलवास एरिया, पलवास और ये चोला, इधर आपको गंगेज दिखाई दे रहा है, ये वो थे, चूंकि यहाँ पर पहले पलवास हुआ करते थे, और पलवास की फ्यूडिटरी हुआ करते थे चोलास। फ्यूडिटरी का मतलब उनके अंडर में ये रहते थे, जैसे लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे बाद में अंग्रेजों के समय पे, तो कुछ इसी तरीके से ये भी हुआ करते थे, लोकल रूलर थे ये अपने एरिया के, जिन्होंने बाद में पावर को कैप्चर कर लिया पलवास से, ठीक है। तो चोला एम्पायर के जो फाउंडर होते हैं विजयाला, जो कि फाउंडर होते हैं, एंड ही वाज फ्यूडिटरी ऑफ पलवास, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पलवास के फ्यूडिटरी थे, जिन्होंने पावर को कैप्चर कर लिया था। यहाँ पर आपको दो कैपिटल देखने को मिलेगा चोला एम्पायर में, एक है तंजावुर, एक है गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो गंगाईकोंडा चोलापुरम को बाद में स्टैब्लिश किया गया था इस शहर को, लेकिन पहले जो इनिशियल कैपिटल हुआ करता था वो तंजौर ही हुआ करता था। ग्रेटेस्ट रूलर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दो रूलर होते हैं चोला एम्पायर में, एक है राजा, एक है राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। राजा की अगर बात करें, तो इन्होंने वृहदेश्वर या फिर राजेश्वर
नाम का टेम्पल बनाया था तंजौर में, जो कि शिवा को डिवोटेड है। ध्यान रखिएगा ये सब टेम्पल्स पूछे जाते हैं, और जनरली भले किंग का नाम ना पूछा जाए लेकिन डायनेस्टी का नाम तो आपको जरूर याद रहना चाहिए। वैसे किंग का नाम अगर याद हो तो और अच्छा है, ठीक है, क्योंकि सीधा स्टेटमेंट आते हैं यहाँ से। तो इन्होंने जो टेम्पल बनाया था वृहदेश्वर या फिर राजा राजेश्वर नाम का टेम्पल बनवाया था, जो कि शिवा को डिवोटेड था, और ये तंजौर में बनवाया गया था। इसके बाद बात करते हैं तो राजेंद्र फर्स्ट ने गंगाईकोंडा चोलापुरम ये सिटी को एस्टैब्लिश किया, जिसे सेकंड कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है चोला डायनेस्टी का। कुछ रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि चोला डायनेस्टी में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। आर्ट एंड कल्चर की भी बात करेंगे चोला डायनेस्टी से रिलेटेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले देखते हैं हम कि जो किंग हुआ करता था वो सेंट्रल अथॉरिटी था, यानी कि पूरे के पूरे पावर का वो न्यूक्लियस था, सेंट्रल पावर था, ठीक है। और यहाँ पर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी जानकारी मिलती है, जो मेनली किंग को एडवाइस देने का ये काम करते थे। यहाँ पर ये देखेंगे कि जो चोलाई एम्पायर था ये पूरी तरीके से, जो चोलाई एम्पायर था ये चार एरिया में डिवाइड किया गया था इसको, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि प्रोविंस हुआ करता था, प्रोविंस को जिसको मंडल्स कहा जाता था, और जो प्रोविंस हुआ करता था वो आगे कमिश्नरी में डिवाइड होता था, ठीक है, जिसको वालनाडु कहते थे, और वो कमिश्नरी आगे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता था, जिसको नाडु के नाम से जाना जाता था, और नाडु यानी कि डिस्ट्रिक्ट आगे विलेज में डिवाइड होते थे, और ग्रुप ऑफ विलेज को कुर्रम कहा जाता था। तो ये एक हायरार्की थी, जैसे आज के समय पे देखते हैं कंट्री है, कंट्री के अंदर आपको स्टेट्स मिलेंगे, स्टेट्स के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर आपको डिफरेंट विलेजेस मिलेंगे। तो उसी तरीके से एक हायरार्की थी उस समय भी, प्रोविंस, प्रोविंस के बाद कमिश्नरी, कमिश्नरी के बाद डिस्ट्रिक्ट, एंड सबसे नीचे टॉप टू डाउन अप्रोच विलेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है, ऐसा नहीं था कि पूरा एकदम सेंट्रलाइज अथॉरिटी की तरह एक ही जगह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हुआ करता था। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स की भी वहां पर व्यवस्था की गई थी। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर फेमस हुआ। जैसा मैंने हमने गुप्ताज के टाइम पर जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि गुप्ताज ने ज्यादा जो नगर स्टाइल था उस पर कंसल्टेशन किया, क्योंकि गुप्ता जो डायनेस्टी थी वो मेनली नॉर्थ इंडिया में थी, और नॉर्थ इंडिया में नगर स्टाइल चलता था, विशारा आपको डेक्कन के एरिया में चलता था, और द्रविड़ा जो था वो साउथ इंडिया में चलता था, और चोला डायनेस्टी जो थी वो साउथ इंडिया में थी। तो बाय डिफॉल्ट ही आपको समझना है कि द्रविड़ा टाइप के स्टाइल पर ही टेम्पल आर्किटेक्चर पर इनका ध्यान ज्यादा था। तो कांचीपुरम में द्रविड़ा स्टाइल में इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल को भी बनवाया था, ठीक है, तो क्लासिकल एग्जाम्पल है द्रविड़ा का। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, हम आर्ट एंड कल्चर में इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ इमेज मेकिंग में भी नटराज की आपको आइडल देखने को मिलेगी। नटराज एक तरीके से आप कहें कि एक डांस फॉर्म था जो शिवा के द्वारा किया जाता था, तो वो उसी मुद्रा में या उसी फिगर में आपको नटराज को भी बनाया गया है। कंबना रोट रामावतरम, कंबना जो थे एक राइटर थे, ठीक है, इन्होंने रामावतरम लिखा था। रामावतरम एक्चुअली ये रामायण का ट्रांसलेशन था, ठीक है, रामायण का ट्रांसलेशन था। तो उस समय आप देखेंगे चोला डायनेस्टी के समय पे तीन जेम्स हुआ करते थे तमिल पोइट्स के, जो आपको चोला के डायनेस्टी के समय थे, जिनका नाम था कंबाना, कुताना और पुगालेंदी। ये तीन नाम है, लोगों के नाम है, ठीक है, जिनको थ्री जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री के नाम से भी जाना जाता था। तो ये नाम आपको तीनों याद रखना है। इसके अलावा सॉरी टेम्पल्स की बात करें तो विमान और टॉल पिरामिड आपको टावर देखने को मिलेगा, डोमिनेट्स ओवर होल स्ट्रक्चर। तो आपको हमने गुप्ता पीरियड में भी चर्चा की थी कि यह गर्भगृह हुआ करता था जिसमें मेन साइन को रखा जाता था और इसके ऊपर शिखर हुआ करता था वहां पे। तो यहाँ पर आपको विमान देखने को मिलेगा। अब ये जो विमान था ऐसा नहीं था कि सिर्फ गर्भगृह पर था, ये जितना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ करता था टेम्पल का उसके ऊपर ये विमान हुआ करता था, ठीक है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को ही डोमिनेट करता था, जो कि आपको द्रविड़ा में देखने को मिलेगा। और वहीं आप नगर स्टाइल में देखेंगे तो मेन जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर आपको ये शिखर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो अलग अलग स्टाइल से बनाने के, ठीक। तो इस तरीके से हमने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो कि आपको 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक चलता है, तो 1526 जब बाबर आता है और बाबर यहाँ पर लोधी डायनेस्टी को खत्म करता है तो यहीं से फिर मुगल डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है, यानी कि 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी जो कि लोधी डायनेस्टी थी वो खत्म होती है, और लोधी डायनेस्टी के अंतिम रूलर को इब्राहिम लोधी को बाबर हराते हैं 1526 में, और इसके बाद बाबर के साथ ही मुगल पीरियड की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो मुगल पीरियड हम बाद में देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं अभी दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में मिलनी आपको पांच डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। फर्स्ट
जो कि स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है 1206 से लेकर 90 के बीच में। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आएगा। ये क्रोनोलॉजी में ही है, पांचों क्रोनोलॉजी में है, आपको रेंडमली याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आता है, और खिलजी के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद शहीद, और शहीद के बाद लोदी। ये क्रोनोलॉजी पीरियड में है, तो इसको इधर उधर रेंडम करके याद करने की कोशिश ना कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। कभी अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, और ये पूछते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से 90 के बीच में, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 के बीच में, तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से 1440 के बीच में, और शहीद डायनेस्टी 1414 से लेके 51, और लोदी डायनेस्टी जो कि 1451 से लेके 1526 तक, और दिल्ली सल्तनत यहाँ पर खत्म होता है और मुगल पीरियड की स्टार्टिंग होती है। तो एक ही करके हम सारे डायनेस्टीज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी में जो फर्स्ट रूलर आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैंने आपको मोहम्मद गौरी के समय बताया था, जब हम जिक्र कर रहे थे वहां पे पृथ्वीराज चौहान के समय। तो एक्चुअली जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये मोहम्मद गौरी के स्लेव हुआ करते थे, ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने इनको पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया हुआ था, पंजाब के ये गवर्नर थे। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, तो इनके डेथ के बाद क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पावर को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी की यहाँ पर शुरुआत होती है। तो चूंकि एक स्लेव था ये मोहम्मद गौरी का, इस वजह से इसके डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये टर्किश स्लेव हुआ करता था, यानी टर्किश ये बिलोंग करते थे। टाइटल की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक टाइटल रखा था जिसका नाम था लाख बख्श, यानी कि गिवर ऑफ लाख्स। इन्होंने टाइटल रखा, इन्होंने दो मॉस्क को बिल्ड करवाया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस्क हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है। एक कुव्वत अल इस्लाम जो कि दिल्ली में बनवाया, और साथ ही साथ एक अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये एक मॉस्क इन्होंने बनवाया। इसका नाम तो आपने सुना होगा, अगर कभी भी आपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो ये नाम आपको जरूर याद होगा। तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये दो मॉस्क पुनः चलाएंगे। इसके साथ साथ कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट करवाया था, ही बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। लेकिन कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इनके समय पे कंप्लीट नहीं हुआ था, इनके बाद आने वाले जो रूलर थे उन्होंने उसको कंप्लीट करवाया था, लेकिन बिगनिंग यहीं से होती है। और इस कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन या कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो किया जाता है इन ऑनर ऑफ सूफी संत, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। तो सूफी संत से ये, तो सूफी मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, उनके ऑनर पर इस कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया गया था। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि कुछ लोग प्रोमिनेंट लोग जो आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करते हैं, उसको भी पेट्रोनाइज करने की कोशिश थी। कुछ राइटर्स हैं जैसे हसन उन निजामी जो कि ऑथर है ताजुल मशीद के, उनको भी पेट्रोनाइज किया। साथ ही साथ फखरुद्दीन जो कि ऑथर है तारीख ए मुबारक शाही की, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है इन लोगों के, और इन लोगों के राइटर्स हैं, तो नाम भी आपको याद रखना है, इनके टेक्स्ट राइटर के नाम और किसके समय थे, ये कंटेम्प्रेरी करके भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है। तो आपको रूलर का नाम भी याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूलर जो आते हैं, जिनका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिस, ठीक है। ये क्या थे, ये वाज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑक्युपाइड दिल्ली आफ्टर डिपोजिंग आराम बख्श, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये डायरेक्ट रूल पे नहीं आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो रूलर बनते हैं वो आराम बख्श बनते हैं, लेकिन आराम बख्श बहुत कमजोर थे, बहुत कम पीरियड तक रहते हैं, और उनको डिपोज कर दिया जाता है, उनकी गद्दी से उतार दिया जाता है। और फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था मोहम्मद गौरी का, और शमसुद्दीन इल्तुतमिस ये स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इन्होंने क्या किया कि पावर को कैप्चर कर लिया दिल्ली में। तो आराम बख्श के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बट शमसुद्दीन इल्तुतमिस वॉज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इनको दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर के तौर पर भी जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके समय होती है कि इन्होंने अपने कैपिटल को क्या किया, शिफ्ट किया लाहौर से दिल्ली। पहले लाहौर में हुआ करता था, और दिल्ली में इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। कुछ और डेवलपमेंट होती है इनके समय पे, इल्तुतमिस के समय पे, जैसे कि इन्होंने सिल्वर क्वाइंस को इंट्रोड्यूस किया, जिसको टंका के नाम से जाना जाता था, कॉपर क्वाइंस जिसको जीतल के नाम से जाना जाता था। ये लोकल नाम्स थे जो आपको याद रखने हैं। एंड ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एकता सिस्टम, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में भी रिफॉर्म करने की कोशिश की। और यहाँ पर एक बड़ी चीज इसने ये कहा कि ये जो रिक्रूटमेंट्स हुआ करती थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर आर्मी में, उन रिक्रूटमेंट्स को इन्होंने सेंट्रली ऑर्गेनाइज कर दी, यानी कि सेंटर की तरफ से डायरेक्ट इनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, और इनकी पेमेंट भी डायरेक्ट सेंटर की तरफ से की जाएगी। तो ये कुछ रिफॉर्म किया गया एडमिनिस्ट्रेशन में भी। साथ ही साथ एक ऑफिस यहाँ पर लाया गया जिसका नाम था चहलगामी, या फिर जिसको चलीसा के नाम से भी जाना जाता था।
ये जो ऑफिस था मेनली स्लेव्स को रेगुलेट करने के लिए ऑफिस बनाया गया था, ठीक है। तो ऑफिशियल मोबिलिटी ऑफ स्लेव्स, तो इनका भी काफी वर्चस्व हुआ करता था। हम देखेंगे कि ये भी काफी रोल अदा करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बाद में इनको हटाने के लिए भी कुछ रूलर्स ने काम किया था, उनके बारे में भी हम देखेंगे। एंड कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है, जो कि ऐबक के समय पे स्टार्ट हुआ था, वो इल्तुतमिश के समय पे कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट हो गया। एंड ही पेट्रोनाइज्ड मिनहाज अस-सिराज, जिन्होंने लिखा था तबाकत ए नशेरी, ठीक है, तबाकत एक नशेरी, ये टेक्स्ट था जिसको लिखा था मिराज उस सिराज ने, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ यहाँ पर रूलर आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे रुकनुद्दीन आते हैं, रुकनुद्दीन को रजिया ने हटा दिया था, आपको नाम पता होगा रजिया सुल्तान जिसको कहा जाता है, तो रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन को हटा दिया था। रुकनुद्दीन एक्चुअली रजिया सुल्तान के भाई थे, तो अपने भाई को हटा के इन्होंने गद्दी पर बैठा। एंड शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लीडर हु रूल्ड ओवर इंडिया। लेकिन इनके समय पर कुछ ज्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है, रीजन ये था कि एक तो ये महिला सुल्तान थी, लेडी सुल्तान थी, जो लोगों को पसंद नहीं थी। लोगों को पसंद होने का मतलब क्या, जो नोबल्स हुआ करते थे, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, फिडुटरीज हुआ करते थे, जो कोर्ट में लोग हुआ करते थे इनके, उनको ये पसंद नहीं थी। तो इनके समय में आप देखेंगे बहुत सारे रिवोल्ट होते हैं, इनको मारने की बहुत कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इनके समय पर बस यही चलता है और कोई ऐसा डेवलपमेंट होता नहीं है जिसको हम याद रखें, ठीक है। बट फाइनली कैथल हरियाणा में, कैथल के पास इनको असैसिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान का भी टाइम खत्म होता है। इसके बाद आते हैं बहराम शाह, दिन मसूद शाह, दिन नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद, जिनको दरवेशी किंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ जो रूलर्स आते हैं इनका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है वही हमें याद रखना है, अदरवाइज रूलर्स आपको बहुत मिलेंगे। इस तरीके से आप काउंट कीजिएगा तो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री को मिला के इतने सारे रूलर्स हो जाएंगे जो आपको याद ही नहीं हो पाएंगे। तो हमें ऐसे रूलर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है। तो इसके बाद इसमें एक रूलर आते हैं जिनका नाम है ग्यासुद्दीन बलबन। तो ग्यासुद्दीन बलबन एक इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं, एंड ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। चालीसा को भी हमने पहले देखा था कि ये क्या होते थे, कि चीफ ऑफ स्लेव्स हुआ करते थे, स्लेव्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था इनको। तो इनके पावर को भी तोड़ा गया या चेक किया गया, ठीक है, कंट्रोल किया गया उन पर। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि जो क्राउन का प्रेस्टीज था उसको भी रिस्टोर करने की काम यहाँ पर की गई, यानी कि क्राउन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई। अपॉइंटेड स्पेस, यानी कि यहाँ पर ये देखें जो जासूस वगैरह होते थे उनको भी अपॉइंट करने की यहाँ पर कोशिश की गई। साथ ही साथ जो मंगोल्स हुआ करते थे उनके इन्वेजन्स को रुकने के लिए, फिर जो लोकल डिस्टर्बेंस हुआ करती थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी, उनको डील करने के लिए आर्मी को सेंट्रलाइज किया गया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग आर्मी को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। एक नई आर्मी या मिलिट्री डिपार्टमेंट को बनाया गया जिसको दीवाने अर्ज के नाम से भी जानते हैं। ओके, ग्यासुद्दीन बलबन ने एक टाइटल रखा जिसको जिले इलाही कहते हैं, एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम सिस्टम कॉल्ड सिजदा एंड पाइबोस। सिजदा क्या था कि इसमें इस तरीके से करते हैं ना झुक के सुल्तान के सामने, तो इसको सजदा कहा जाता था, ठीक है। तो वो सजदा था कि आपको प्रोस्ट्रेशन करना है बिफोर मोनार्क, यानी कि झुक के आपको सजदा करना है, सलाम करना है। और एक सिस्टम पाइबोस था, पाइबोस में क्या था कि मोनार्क के फीट को किस करना होता था, चुमना होता, तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आखिरी लोर जो आते हैं स्लेव डायनेस्टी के, जिनका नाम था कैकुबात, और कैकुबात को मार दिया जाता है खिलजी फैमिली के द्वारा, और खिलजी फैमिली के द्वारा मार दिया जाता है। तो इसके साथ ही स्लेव डायनेस्टी का द एंड होता है, और इसी के साथ खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी का द एंड एंड खिलजी डायनेस्टी का द स्टार्टिंग, द बिगनिंग। इसमें खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने लास्ट रूलर को मारा था स्लेव डायनेस्टी के, एंड ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं खिलजी डायनेस्टी में, जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वॉज फर्स्ट तुर्क सुल्तान हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, और सुल्तान ऑफ दिल्ली एक्चुअली, जिन्होंने पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग किया। और इन्होंने चार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में चार तरीके के ये ऑर्डिनेंस लेके आए। वो चार ऑर्डिनेंस क्या थे, ये चार ऑर्डिनेंस ये थे। पहला था कन्फिस्टिकेशन ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड्स, ठीक है। तो आपको पता है कि जो लैंड्स था वो ग्रांट में दिया जाता था, दान में दिया जाता था, या फिर एज सैलरी भी दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे जो ग्रांट्स फ्री में दिए गए थे, चाहे वो किसी नोबल्स को दिए गए हैं, चाहे वो कहीं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया गया हो, उन सबको यहाँ पर कन्फिस्टिकेट करने की बात की गई थी, उनको दोबारा जब्त करने का आदेश यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद स्पाइस सिस्टम को भी रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। वाइन को प्रोहिबिट किया गया कि वाइन का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो नोबल्स थी, इन नोबल्स पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। जैसे कि नोबल्स को कहा गया कि आप सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ
आप किसी भी शादी में एंटर नहीं कर सकते हैं, मतलब शादी वगैरह नहीं कर सकते हैं विदाउट हिज परमिशन, यानी कि विदाउट सुल्तान के परमिशन के आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये चार तरीके के ऑर्डिनेंस लाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि दाग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस इन्होंने किया। अब ये दाग सिस्टम क्या होता था? ये होता था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, यानी कि जो हॉर्स होता था उसके शरीर पर एक जैसे सील की तरह होता है ना, सील आपने समझा होगा, यानी कि जिसको हम थप्पा कहते हैं, यू नो, जैसे कि सरकारी ऑफिसर में जाएगा तो स्टैंप जिसको हम कहते हैं, तो स्टैंप की तरह ही होता था जो कि हॉर्स के बॉडी पर लगाया जाता था उसकी पहचान के लिए, ठीक है, तो इसको दाग सिस्टम कहा जाता था। इसके साथ साथ चेहरा एक सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। चेहरा सिस्टम वाज एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स की पहचान के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन उनका होना चाहिए कि उनका चेहरा कैसा है, रंग कैसा है, कहीं चेहरे पर कुछ दाग तो नहीं है। एक्चुअली इट इज आइडेंटिफिकेशन, ओके, कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि एनी कट मार्क्स और एनी मार्क्स ऑन योर बॉडी बाई विच वी कैन आइडेंटिफाई यू। तो इसी तरीके का सिस्टम ये भी था। लैंड सर्वे भी यहाँ पर किया जाता था और लैंड सर्वे के बाद ही स्टेट का क्या शेयर होगा वहाँ के प्रोडक्शन में एज अ टैक्स, ये फिक्स किया जाता था। साथ ही साथ रेवेन्यू कलेक्टर के लिए एक अधिकारी होता था जिसको मुस्ताखराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तीन मार्केट्स इन्होंने सेटअप किए दिल्ली में। एक मार्केट जो हुआ करता था फूड ग्रेन्स को की खरीद बिक्री के लिए, एक दूसरा मार्केट जो कॉस्टली क्लॉथ्स होते थे उनकी खरीद बिक्री के लिए, और तीसरा मार्केट हॉर्स स्लेव्स और कैटल्स की खरीद बिक्री के लिए यहाँ पर किया जाता था। और तीनों मार्केट्स के रेगुलेशन के लिए, ठीक है, इनकी देख रेख करने के लिए एक ऑफिसर्स नियुक्त किया गया था, अलग अलग ऑफिसर, जिसको शहना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन मार्केट्स के रेगुलेशन के लिए एक ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया जिसको शहना के नाम से जाना जाता था। और ये शहना ऐसा नहीं था कि सभी के लिए एक ही था, ऐसा नहीं, सबके लिए अलग अलग था। इसके लिए अलग शहना होगा, इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा, ठीक है, इस तरीके से था। कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स इनके समय पे बनाए गए, जैसे कि अलाई फोर्ट और अलाई दरवाजा बनवाया गया। तो इसके बाद इन्होंने एक पैलेस भी बनवाया ऑफ 1000 पिलर्स, जिसको 1000 सुतून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ आपको डेवलपमेंट इनके समय पर मिलेगा। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट मिलता है, ही पेट्रोनाइज्ड अमीर खुसरो, जो कि पोएट और म्यूजिशियन थे। ये नाम आपने सुना होगा अमीर खुसरो का, तो ये इनके समय थे। आते हैं क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी करके, कि बताइए अमीर खुसरो किनके कंटेम्प्रेरी थे, वो नाम एक लिख के आ जाएगा रूलर का, तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो रूलर आते हैं मुबारक खान, नॉट इंपॉर्टेंट। अंतिम रूलर जो आते हैं खुसरो खान को मार दिया जाता है गाजी मलिक के द्वारा, गाजी मलिक जो कि तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, खिलजी डायनेस्टी का द एंड, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है गाजी मलिक के साथ, ठीक है। गाजी मलिक का एक और नाम था, वो क्या नाम था, ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्होंने खिलजी डायनेस्टी को खत्म किया और तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। एक्सीडेंटल डेथ हो गया, और एक्चुअली जो सीढ़ियाँ होती है उस पर चढ़ने की वजह से, वहाँ से गिरने की वजह से डेथ हो गया। खैर ये कई किसी भी तरीके से हो, सीढ़ी से गिरने की वजह से या छत से गिरने की वजह से, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि गाजी मलिक और ग्यासुद्दीन तुगलक थे जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया और स्लेव डायनेस्टी को खत्म किया, दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं तुगलक डायनेस्टी में, वो है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिनको प्रिंस जौना के नाम से भी जाना जाता है, JAUNA, प्रिंस जौना के नाम से भी जानते हैं। इनके समय पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन ये ज़्यादातर फेल रहे हैं। अब देखेंगे कि 5 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स करते हैं जिनमें से 3 फेल हो जाते हैं। खैर इंसान फेल होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 5 प्रोजेक्ट क्या थे, यानी 5 ही रिफॉर्म क्या थे। पहला रिफॉर्म, दुआब में टैक्सेशन को बढ़ा दिया इन्होंने। दुआब यानी कि जो 2 रिवर्स के बीच का एरिया होता है, तो यहाँ पर गंगा और यमुना के बीच का एरिया था, वहाँ पर इन्होंने टैक्सेशन को बढ़ा दिया और कुछ नए टैक्स भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि हाउस टैक्स था जिसको घारी के नाम से जानते थे, और पास्चर टैक्स हुआ करता था जिसको चराही के नाम से जाना जाता था। ये तो खैर सक्सेसफुल रहा, यहाँ पर इनको सक्सेस मिल गई। और यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इन्होंने एक बनाया था जिसको दीवाने कोही के नाम से जाने जाते थे। ये मेनली क्या होता था कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज होती हैं, ये इरिगेशन फैसिलिटीज को देखने का काम करता था या फिर उनको मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट जो इनका रिफॉर्म था वो था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। दिल्ली जो कि कैपिटल हुआ करता था इनिशियली में, इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया देवागिरी में और उसका नाम बदल दिया, देवागिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। लेकिन फिर दोबारा इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। ऐसा क्यों किया? नॉर्थ इंडिया में जब थे, यानी कि जब दिल्ली में इनका कैपिटल था, तो इन्हें लगा कि ये साउथ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है दिल्ली और साउथ इंडिया के बीच में, तो इस वजह से इन्होंने देवागिरी में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। तो जब देवागिरी में ये पहुंचे, तब उनको लगा कि ये नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ दिक्कत हो जा रही है,
तो फिर इन्होंने दिल्ली में अपना दोबारा शिफ्ट कर लिया उसको। तो ये जो प्रोजेक्ट था कहीं ना कहीं इनका अनसक्सेसफुल हो गया, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। तीसरा एक प्रोजेक्ट था, इन्होंने टोकन करेंसी इशू किया, ब्रॉन्ज क्वाइंस इशू किया, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज क्वाइन को इशू करने का अधिकार आम नागरिक को भी था, जो गिल्ड्स हुआ करती थी उनको पता, उनको भी था, जो नोबल्स हुआ करते थे उनको भी था। तो जब इतने सारे लोग ब्रॉन्ज क्वाइन इशू कर ही रहे हैं, तो अब उसमें सुल्तान अगर इशू कर ले रहा है तो उसमें क्या मतलब, उसका कोई पूछ ही नहीं, कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा है इसमें या कुछ इसकी एक्स्ट्रा वैल्यू है, नथिंग। तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं रहा, यह भी फेल हो गया, इसको भी बाद में इन्होंने बंद कर दिया। चौथा था प्रपोज खुराशान एक्सपेडिशन, ये भी अबैंडन हो गया। अब ये क्या था, खुराशान एक रीजन पड़ता है ईरान में, ठीक है, तो वहां पर वहां के कुछ नोबल्स इनके कोर्ट में रहते थे, उन्होंने इनको एक्चुअली इंस्पायर्ड किया था कि आप क्या कीजिए, वहां पे अटैक कीजिए, इन्वेजन कीजिए वहां पे। अब खुद बताइए, दिल्ली से कोई लड़ने जाएगा ईरान, उसको मतलब कितने दिन लग जाएंगे सिर्फ दिल्ली से ईरान जाने में, उसका कितना खर्चा होगा। वैसे तो सुल्तान ने कह दिया कि ठीक है हम करेंगे, प्लान भी बन गया, ठीक है, लेकिन बाद में जब उनको लगा कि ये हमारे काम का किसी है नहीं, तो बाद में इसको अबैंडन कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक चौथा प्रोजेक्ट था इनका। पांचवा प्रोजेक्ट था कराची, यानी कि कुमाऊं हिल एक्सपेंडेशन। अब वहां पर चाइनीज इंकर्शन देखने को मिला, तो उसको काउंटर करने के लिए वहां पर इन्होंने अपनी सेना भेजी थी। अब बताइए, मतलब चाइनीज उस समय भी घुस जाते थे इंडिया में, मतलब इनका बहुत पुराना काम है घुसना, बस घुसने का काम करते हैं वह। चलिए नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे यहाँ के, तुगलक डायनेस्टी के। बट इनके समय पे क्या होता है कि जब ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, खास करके ब्रेकअप की प्रॉब्लम, यानी कि दिल्ली सल्तनत टूटने लगता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने के कगार पे पहुंच सकता है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए ये तीन पॉलिसी लेके आए, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि बाहर से कोई इनको खतरा था, बाहर से खतरा नहीं था, बाहर से कभी किसी को खतरा नहीं होता, खतरा किसी को भी होता है तो अंदर से ही होता है, ठीक है। तो इनके अंदर वाले जो थे नोबल्स थे, इनकी आर्मी के ऑफिसर्स हुआ करते थे, थियोलॉजियंस हुआ करते थे, ये इनके अपने लोग थे और इनको खतरा इन्हीं से था, ठीक है। तो इनको कैसे मनाया जाए, इसके लिए इन्होंने कुछ पॉलिसी लेके आई। नोबल्स को खुश करना है, नोबेलिटी को, तो उनके लिए क्या कर दिया गया कि उनके पोजिशन को हेरिडिटरी बना दिया गया, ठीक है, यानी कि आप मरिएगा तो आपके लड़की को मिलेगा ये, इससे ये खुश हो गए। आर्मी ऑफिसर्स थे उनके भी पद को हेरिडिटरी बना दिया गया, उससे वो भी खुश हो गए। साथ ही साथ यहाँ पे जो सोल्जर्स हुआ करते थे, अब उनको कैश में पेड नहीं किया जाएगा, अब उनको लैंड दिया जाएगा, और लैंड से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा अब वो उनका होगा, तो इससे सोल्जर्स भी खुश हो गए, ठीक है। उसके बाद जो थियोलॉजियंस थे, थियोलॉजियंस एक्चुअली ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, यानी कि कट्टर जो मुस्लिम होते हैं ये वो लोग थे, तो इनको कुछ चीजें पसंद नहीं थी, तो इनको खुश करने के लिए कुछ काम किया गया। तो वो काम क्या किया गया, इनको कुछ हाई ऑफिसर्स के पद पर रखा गया, साथ ही साथ इनके कहने पर महिलाओं की फ्रीडम को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया, अब महिलाएं दरगाह में नहीं जा सकती थी इनके कहने पे, ठीक है। जजिया को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इनके कहने पे, तो एक कट्टर मुस्लिम हुआ करते थे। तो इन सबको खुश करने के लिए तीन पॉलिसी फिरोज शाह तुगलक लेके आता है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि जजिया इंट्रोड्यूस किया गया इनको खुश करने के लिए, जो कि एक नॉन मुस्लिम टैक्स हुआ करता था और जिसको एक सेपरेट टैक्स की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरीके से चार तरीके का टैक्स आपको देखने को मिलेंगे इस समय। ये चार तरीके का टैक्स खराज हुआ करता था, जिसको लैंड टैक्स के नाम से जानते थे, जकात जो कि प्रोड्यूस का, यानी कि जो भी क्रॉप कल्टिवेशन होता था उसके प्रोड्यूस का 1/10 लिया जाता था टैक्स के रूप में, जिसे जकात कहते थे। जजिया जो कि नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था, यानी कि जो मुस्लिम नहीं होता था उन पर यह टैक्स लगाया जाता था। और खाम्स जो कि वॉर के दौरान जो भी बूटी इकट्ठी होती थी उसका 1/5 होता था ये। तो बूटी का मतलब जो भी वॉर होता है तो लूटपाट होती है ना, वहां पे जाके लूटपाट लोग करते हैं, तो वहां से जो भी इकट्ठा हुआ उसका 1/5 खाम्स के रूप में ये टैक्स देना पड़ता था, ओके। इरिगेशन पर इन्होंने अटेंशन दिया और कैनाल्स का भी इन्होंने कुछ रिपेयर्ड वगैरह किया, उसका कंस्ट्रक्शन किया। और यहाँ पर एक वाटर टैक्स भी लगाया गया, जिसको हक एशार्फ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वाटर टैक्स मेनली लगाया जाता था, जो इरिगेशन या कैनाल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर होती थी उनको मेंटेन करने के लिए वाटर टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ सिटीज का भी डेवलपमेंट कराया, सिटीज का कंस्ट्रक्शन करवाया, जैसे कि आप देखेंगे फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद, मैक्सिमम यूपी में ये कुछ सिटीज थे जिसको कंस्ट्रक्शन का काम इन्होंने करवाया था। साथ ही साथ दिल्ली में एक हॉस्पिटल को भी बनवाया, जिसे दारुल शिफा के नाम से जानते हैं, एंड डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने खैरत ये बनाया गया। तो ये जो दीवाने खैरत है, ये डिपार्टमेंट बनाया गया था मेनली जो पुअर गर्ल्स होती हैं, गरीब लड़कियों की शादी के लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था की जा सके, उसके लिए ये दीवाने खैरत डिपार्टमेंट को बनाया गया था, ठीक है। एंड द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद शाह, जो कि लास्ट रूलर थे,
एंड इन्वेजन ऑफ तिमूर इनके समय देखने को मिलता है, तिमूर भी आता है जो कि एक मंगोलियन था, ठीक है। तो इस तरीके से तुगलक डायनेस्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है, और तुगलक डायनेस्टी के खत्म होने के साथ इंट्रोडक्शन होता है सैयद डायनेस्टी की, जो कि 1450 से लेके 1450 तक ये रहते हैं। यहाँ पर चार रूलर इंपॉर्टेंट, खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, तो इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। ये चार रूलर देखने को मिलेंगे, इनका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, इसलिए इनको हमें पढ़ना है नहीं, ठीक है। बस नाम याद रखिएगा, हो गया, आपके लिए काफी है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं। तो लोधी डायनेस्टी में ये एक्चुअली क्या थे, अफगान सरदार हुआ करते थे लोग, ठीक है। तो बहलोल लोधी जो था, इन्होंने फाउंड किया लोधी डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे आपको, एक है सिकंदर लोधी और एक है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी ने कोशिश की थी जो सुल्तान है उसके पावर को बढ़ाया जा सके, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा, खैर बाद में देखेंगे हम इब्राहिम लोधी को, भी सिकंदर लोधी को देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली से आगरा अपने कैपिटल को शिफ्ट किया, और ये एक फैनेटिकल मुस्लिम था। फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टर, ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ये था जो सिकंदर लोधी था, ठीक है। और इसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था गाजे सिकंदरी। गाजे सिकंदरी क्या था, ये 32 डिजिट का एक मेजरिंग सिस्टम था जो कल्टिवेटेड फील्ड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये सिकंदर लोधी के बारे में ये एक चीज जो इंपॉर्टेंट या डेवलपमेंट होती है ये वाली। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड ऑल्सो द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन्होंने क्या किया, पावर को असर्ट करने का कोशिश किया, पावर को यूनिफाई करने का कोशिश किया, लेकिन ये हो नहीं पाया सक्सेस। क्यों? क्योंकि अभी तक पावर्स नोबल्स के अंडर में बहुत जा चुका था, और नोबल्स को ये पसंद नहीं था कि उनसे पावर को छीना जाए। इसी में एक नोबल हुआ करता था पंजाब का गवर्नर, जिसका नाम था दौलत खान लोधी। इस दौलत खान लोधी ने बाबर को इन्वाइट किया, ठीक है, क्यों, टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने के लिए बाबर को इनवाइट किया, और बाबर ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और फाइनली बाबर आता है इंडिया में, और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर लड़ी जाती है, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है, जहाँ पर इब्राहिम लोधी हार जाता है और इसको मार दिया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही इब्राहिम लोधी के मरने के साथ ही जो लोधी डायनेस्टी थी वो भी खत्म, दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी थी वो भी खत्म। बाबर यहाँ पर जीत जाता है, और बाबर के जीतने के साथ ही 1526 से यहाँ पर मुगल एम्पायर का स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगा, और ये मुगल एम्पायर अंग्रेजों के समय तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये था दिल्ली सल्तनत। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ थैंक यू एंड गुड लक।